इसमें लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार चुनाव के समीकरण डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए बिगाड़े जा रहे हैं। पक्ष हो या विपक्ष, सभी नेता अपनी फील्ड बनाने यानी चुनाव जीतने की जुगत में लगे हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ नया अलायंस यानी इंडिया अलायंस है, वहाँ नेता एक होने की कोशिश में लगे हैं। खैर, इस बीच हम आपको बता दें, उन्नाव लोकसभा चुनाव का समीकरण क्या है, सीट पर कौन कितने रिकॉर्ड समेटे है, दो बार जीत के रिकॉर्ड के बाद क्या साक्षी महाराज यहां से जीतकर हैट्रिक लगा पाएंगे। यहां जीत ही नहीं यानी बड़े रिकॉर्ड मतों से जीत की। उन्नाव की लोकसभा सीट अपने आप में कई रिकॉर्डों और समीकरणों को अपने आप में समेटी है। लोधी मतदाताओं का यहाँ पर दबदबा है, लेकिन इस सीट पर एक चीज़ और है, दलित मुस्लिम अलग अलग समीकरण भी बदल देते हैं इसकी स्थिति को। वहीं इस दृष्टि से प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र ही उन्नाव है। परिसीमन के बाद अकेले एक जिले की लोकसभा बनाने की वजह से यहां मतदाताओं की संख्या अन्य की तुलना में बढ़ गई है। वहीं 2019 में भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज ने उन्नाव लोकसभा में बम्फर मतों से जीत दर्ज की। 1952 से लेकर अब तक उन्नाव लोकसभा की यह दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। 1977 में इमरजेंसी के बाद BLD के राघवेंद्र सिंह को 69.62% मत मिले थे, जो 4,96,996 मतों के अंतर से जीतने वाले। वहीं साक्षी महाराज ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2014 में लोकसभा चुनाव में साक्षी महाराज ने 3,10,000 मतों से जीत हासिल की। दो बार रिकॉर्ड जीत के बाद देखना होगा क्या इस बार साक्षी महाराज जीत की हैट्रिक कर विपक्ष की गठबंधन को एक किनारे कर देंगे। बता दें, सीट पर ज़्यादा मतदाता पहले नहीं थे, लेकिन 2008 में एक परिसीमन के बाद उन्नाव जिले की 6 विधानसभा सीटों पुरवा, भागवंत नगर, मोहान, रफीपुर, बांगरमऊ और सदर को मिलाकर एक जिले की लोकसभा बना दी गई। मोहनलालगंज सुरक्षित सीट में शामिल उन्नाव की 2 विधानसभाओं को काटकर वापस उन्नाव लोकसभा में शामिल कर दिया गया। उस समय से उन्नाव को देश की 5 बड़ी लोकसभा में शुमार किया जाने लगा। लक्षद्वीप की सबसे छोटी लोकसभा और 2019 में लोकसभा चुनाव में जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 5 भाजपा के पास मौजूद हैं और इस जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। अगर जीत के इतिहास पर गौर करें और मतदाताओं की, तो आपको और समीकरण दिखेंगे। हमको यहाँ इन समीकरणों पर भी चर्चा करने में थोड़ी सहूलियत है। 1952 में जब ये सीट अस्तित्व में आई तो बिशंभर दयाल त्रिपाठी भारतीय कांग्रेस के जीते। उस समय कांग्रेस का प्रभुत्व देश भर में था। दोबारा भी 1957 में बिशंभर दयाल त्रिपाठी जीते, लेकिन उपचुनाव में 1960 में हुए उपचुनाव में लीलाधर अस्थाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फिर जीते। कृष्णदेव त्रिपाठी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1962 में और 1967 में फिर से कृष्णदेव त्रिपाठी। उसके बाद 1971 पर यहाँ पर जियाउर रहमान अंसारी कांग्रेस के यानी मुस्लिम जीते और 1977 में सीट पर इमरजेंसी के दौरान जनता पार्टी की एंट्री होती है। याद रखिए, 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में यूपी समेत 5 राज्यों से कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया था, यानी अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस हार चुकी थी, यानी यूपी में वो जीरो थी। 1980 में कांग्रेस के फिर से जियाउर रहमान अंसारी जीतते हैं और 1984 में फिर जियाउर रहमान अंसारी जीतते हैं। उसके बाद जनता दल के अनवर अहमद 1989 में जीत दर्ज करते हैं। फिर एंट्री होती है जनसंघ, जनता दल भारतीय जनता पार्टी में बदलती है। 1991 में भाजपा के देवी बख्श सिंह जीतते हैं। 1996 में फिर चुनाव होता है, देवी बख्श को जीत लेते हैं और 1998 के लोकसभा चुनाव में देवी बख्श सिंह लगातार बीजेपी के सीट पर हैट्रिक मारते हैं। और इसके बाद 1999 के दौर में फिर से चुनाव होता है, सीट पर समाजवादी पार्टी सभी समीकरणों को एक किनारे करते हुए समाजवादी दीपक कुमार सीट को जीतते हैं। 2004 में ब्रजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी से यहां से सांसद बनते हैं और 2009 में
अन्नू टंडन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद बनते हैं और 2014 में साक्षी महाराज लोधी मतदाताओं के बल से समीकरणों को साधते हैं और मोदी लहर में 3,10,000 मतों से इस सीट को जीत लेते हैं। 2019 में उससे भी बड़ा देश में सबसे बड़े जीत का रिकॉर्ड साक्षी महाराज बनाते हैं। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के साथ साक्षी महाराज सभी रिकॉर्ड को तोड़ देंगे? उन्नाव सीट पर मौजूदा लोधी समाज के अतिरिक्त पिछड़े यादव और अन्य मतदाताओं का बीजेपी के पक्ष में जाना और लोकसभा चुनाव में कई ऐसे समीकरण हैं जो जीत हार की हैट्रिक तय करते हैं। लगातार बीजेपी मेहनत और जमीनी स्तर पर राम लहर 370 अलग अलग समीकरणों को बनाए हुए है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो 11 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। इस सीट पर 19,23,456 मतदाता जानकारी में है, जिनमें से 10,12,234 पुरुष, 9,11,222 महिला हैं। इस सीट पर 2,462 मतदान केंद्र में से 1,231 शहरी और 1,231 ग्रामीण हैं। सीट पर सर्वाधिक वोट शेयर वाले दलों के बीच अंतर केवल 2.6 का है, जो कि इसे एक कट्टर तसंगत यानी कांटे के टक्कर वाली सीट में भी बदल सकता है। लोकसभा चुनाव में क्या साक्षी महाराज इस बार सभी रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? मोदी लहर में वाकई में इस सीट पर क्या वोट का मार्जिन बढ़ेगा या फिर इंडिया अलायंस यानी पिछली बार समाजवादी और BSP के गठबंधन की तरह इस अलायंस यानी इंडिया गठबंधन BJP को NDA को इस सीट पर टक्कर दे पाएगा? विशाल की रिपोर्ट में अन्य सीटों के समीकरण इन आंकड़ों को हमने कई बार अपने हिसाब से परखना कर जांचने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट में अवश्य अवगत कराएं, आगे उसे सुधारने की कोशिश की जाएगी। विशाल की रिपोर्ट में आपको हर लोकसभा सीट का अपने हिसाब से सीधे सरल शब्दों में विश्लेषण मिलेगा। जय हिंद।